नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एस सी ई आर टी के बारे में पढ़ा था इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को डाइट का जो काम है वो आपको इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा डाइट की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यह एक ऐसी संस्था है जो जिला स्तर पर एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कार्य करती है और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देती है इसीलिए इसका नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक शैक्षणिक संस्थान है जो भारत के हर एक जिले में मौजूद होता है ठीक है हर जिले में एक अलग अलग डाइट बनी होती है यह शिक्षण संस्थान जिले के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य करता है एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कार्य करता है क्योंकि हम उन एजेंसियों की बात कर रहे हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं तो डाइट भी उनमें से एक है यह संस्थान स्कूल स्तर इस स्तर पर कई सारे अनुसंधान कार्यक्रम और प्रयोगात्मक कार्यक्रम भी करता है ठीक है ये संस्थान सर्वे द्वारा इस बात का पता लगाता है कि जिला में शिक्षा का स्तर कैसा है स्कूल अपनी जिम्मेदारियां सही तरह से निभा रहे हैं या नहीं इसके साथ ही ये बच्चों को नए नए तरीकों से पढ़ाने के लिए कई प्रकार के परीक्षण भी करता है ठीक है सर्वे के माध्यम से पता लगाता है कि जिला में शिक्षा का स्तर कैसा है जो स्कूल हैं वो अपना कार्य सही तरह से कर तर तर रहे हैं या नहीं कुल मिलाकर इसका प्रमुख उद्देश्य जिला में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना ठीक है इसके अलावा डाइट का जिला स्तर पर शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं को लागू करने और उससे जुड़ी सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का भी कार्य होता है जो सरकारी योजनाएं उनको जिला स्तर पर लागू करना डाइट का एक प्रमुख कार्य है मुख्य रूप से डाइट शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले बदलावों और नवाचार जो इनोवेशन नई नई जो भी विधि आती है शिक्षण विधियां आती हैं जो भी नई बात होती है ठीक है शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले नवाचारों से शिक्षकों को अवगत करवाता है और नए नए परिवर्तनों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का दिशा निर्देश भी देता है जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस शुरू की जा रही हैं अब स्मार्ट क्लासेस में टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं है टेक्नोलॉजी की उनको इतनी ज्यादा समझ नहीं है इसीलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है डाइट में ट्रेनिंग के माध्यम से उनको टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाता है तो आपने वर्तमान समय में स्मार्ट क्लासेस सुनी होंगी जो वर्तमान समय में सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शुरू की जा रही हैं कई चक ऐसे होते हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझ टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होती है तो डाइट इस टेक्नोलॉजी के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से अवगत कराता है ट्रेनिंग के माध्यम से उनको जानकारी दी जाती है इसीलिए हम कहते हैं कि डाइट जो है नवाचारों को बढ़ावा देता है इसके बाद बात करते हैं डाइट के कार्य इसमें आप एड कर सकते हैं कि डाइट के कार्य और उद्देश्य चाहे आपसे डाइट के कार्य पूछे जाए चाहे उद्देश्य पूछे जाए ठीक है तो डाइट के प्रमुख कार्य और उद्देश्य निम्न है सबसे पहला है किसी भी प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में आने नवाचारों के बारे में शिक्षकों को अवगत कराना कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है नई शिक्षण विधि आती है नवाचार जो भी होता है ठीक है उसके बारे में शिक्षकों को जानकारी देना शिक्षकों को अवगत कराना डाइट का प्रमुख उद्देश्य है है प्रमुख कार्य नेक्स्ट सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाई गई योजनाओं को स्कूल में लागू कराने की जिम्मेदारी डाइट डाइट की होती है ठीक है जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं जिला स्तर पर डाइट कार्यकर्ता करता है उनको हर स्कूल में लागू कराने के लिए इसके बाद सेवारत और सेवा पूर्व शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रदान करना ठीक है सेवारत यानी कि जो सर्विस में हैं जो शिक्षण कार्य करा रहे हैं और सेवा पूर्व सेवा से पहले जो टीचर हैं जैसे कि आपके प्रशिक्षु हो गए तो सेवारत में हम क्या कह सकते हैं इन सर्विस यानी कि पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रदान की जाती है डाइट में और प्री सर्विस सेवा से पूर्व यानी कि ऐसे छात्र जो कि आपके बी एड डीएलएड कोर्स करने वाले छात्र होते हैं इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है जो शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं ठीक है इसके बाद अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना ठीक है शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना नेक्स्ट है जिला स्तर पर शैक्षिक तकनीकी का विस्तार करना शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सेमिनार आयोजित करती है ठीक है सेमिनार संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है डाइट जो है समय समय पर सेमिनार आयोजित करती है नेक्स्ट है स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना पाठ्यक्रम ऐसा हो जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हो ठीक है तो ये डाइट का कार्य है इसके बाद लास्ट है सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाना ऐसी शिक्षा जो निःशुल्क हो ठीक है प्राथमिक लेवल पर निशुल्क और सबको प्राप्त हो तो शिक्षा अभियान को सफल बनाने का कार्य करता है क्योंकि जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उन सबको लागू कराने का कार्य डाइट का ही होता है तो कोई भी आपका अभियान हो शिक्षा अभियान हो कोई भी अभियान हो उसको सफल बनाने का कार्य डाइट का होता है ठीक है तो यहां पर आपका डाई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया इसके साथ ही आपकी फर्स्ट पेपर की फोर्थ यूनिट यहाँ पर पूरी समाप्त होती है एंड फाइनली अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके अलावा आप बी एड सेकेंड ईयर की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हर पेपर की अलग अलग प्ले मिल जाएगी और उस प्ले का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सभी प्ले का आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग